हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है और हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित विविध प्रश्नवली, मतलब प्रश्नवली 3.1 है जिसमें दिया है प्रश्न दूसरा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो देखिए, अगर 24 अवयव हैं तो हमें क्या करना है, अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। तो हमने उत्तर में लिखा है, हम जानते हैं कि यदि m क्रॉस n कोटि का कोई अवयव हो, ठीक है, m जहाँ पर क्या है उसकी रो की संख्या है मतलब पंक्तियाँ, n वहाँ पर कॉलम है, तो क्या है m क्रॉस n कोटि का कोई अवयव हो तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, मतलब कि हम पंक्ति का गुणा कर देते हैं रो से, तो m इंटू n होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने अवयव हैं, 24 अवयव हैं। तो यहाँ कुल अवयव हैं 24, तो 24 के लिए उसकी कोटियाँ कितनी हो सकती है, ठीक है। तो 24 के लिए, 24 के लिए कोटियाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 को दो संख्याओं के गुणा में तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दो संख्या का गुणा है अवयव के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कोटि को m क्रॉस n में बदलेंगे। अभी m इंटू n का फॉर्म दिया है, हम m क्रॉस n में बदलेंगे, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, एक तो 24 से कम 24 होगा, इसकी एक कोटि हो गई, दूसरा 2×12 होगा, ठीक है, 12×2=24 होती है, तीसरा होगा 3×8, 8×3=24 होती है, और चौथा होगा 4×6, ठीक है। तो 6×6=24 होता है, 4×6, और फिर अब इसके उल्टे भी होंगे, ठीक है। तो इसके उल्टे में क्या आ जाएगा, 6×4 हो जाएगा, 6×4 की कोटि हो जाएगी, एक हमारी हो जाएगी कितने की, 8×3 की कोटि हो जाएगी, 8×3, और एक हो जाएगा हमारा 12×2 का, और इसी प्रकार से एक हो जाएगा 12×1 की कोटि हो जाएगी, 24×1 की, ठीक है, 12 वाली हो गई ना, ये 24 वाली है, तो 24×1 वाली कोटि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी, इस प्रकार से कोटियाँ निकाला है, कितनी निकली, 1, 2, 3 और 4, और 4 यानी 8 कोटियाँ, ठीक है। अब क्या है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे 13 अवयव वाले के लिए, अगर अवयव 13 हो तो, ठीक है, अवयव 13 हो तो कोटियाँ, तो 13 के लिए कौन कौन सी हो सकती है, 1×13 होगी। अब 2 से तो मतलब कि ये अनडिवाइडेबल है, डिवाइड हो नहीं सकती, तो या फिर एक इसकी हो जाएगी 13×3, बस इसकी केवल 2 कोटियाँ ही होंगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कोटियाँ कैसे निकालती हैं। देखो, कोटियों को निकालने के लिए हम जो अवयव हैं उनके गुणनखंड में मतलब कि बदल देती हैं, ठीक है, दो संख्याओं के गुणा में तोड़ देती है, मतलब m क्रॉस n के रूप में। यहाँ पर m हमारी पंक्तियाँ हैं और n हमारे स्तंभ हैं, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।